सो गाइस, बिग बॉस के घर से एक बड़ा और एक अनफेयर एविक्शन और आ चुका है लवकेश कटारिया का। अब आप सोच के देखो, बिग बॉस को पता था कि लवकेश को आप वोटिंग के बेस पे तो हरा नहीं सकते हो, है ना। वो तो विनर है, दुनिया की नज़र में आज भी विनर है, चाहे आपने इविक्ट कर दिया हो उसको, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, घर वालों के बिहाफ पे उसको इविक्ट करा दिया है। ये अब विनर बनाएंगे किसको, साई केतन को। बंदा टास्क भी नहीं करता है, नेजी जो भैया जिसको हगना मुतरा खाना भी नहीं आता है उसको बनाएंगे ये विनर। कृतिका जिसने कुछ नहीं किया, जो सिर्फ मेकअप पोतती रही है बस अपने थोपड़े पे, उसको विनर बनाएंगे अब ये लोग। मतलब ये शो करेंगे कि एक रेपिस्ट की फैमिली बिग बॉस की विनर है, ये इन्फ्लुएंस करेंगे ये देश को, जनता को। रणवीर शोरी मोस्ट इगोइस्ट पर्सन हो बिग बॉस OTT, जिसको इवन व्यूमेंस की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता है, मिडिल फिंगर दिखाता है जो लड़कियों को। ऐसे लोगों को आप बिग बॉस जिताओगे, ऐसे लोगों को। सो गाइस, बंद करो बिग बॉस देखना, जियो सिनेमा का तो डिलीट ही कर दो, है ना। क्योंकि बिग बॉस नहीं रहा है अभी, रोडीज और स्पिस विला बन चुका है। मतलब यही सब करना था तो सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे भी तो आप ये कर देते ना, तो फिर क्या होता, सिद्धार्थ शुक्ला को लोग बाहर निकाल देते। रुबीना दिलायक के टाइम पे भी ये कर देते आप लोग, रुबीना दिलायक को बाहर निकाल देती पूरी टीम जो उसके अगेंस्ट में थी। मतलब यहीं पर क्यों किया, आपको पता था कि इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो आपका बिग बॉस सीजन OTT का। मतलब आपने उसी को बाहर निकालना था, है ना। आपको पता था कि वो विनर है। अरे अगर आपने निकाल भी दिया है ना, तब भी वो लोगों के दिलों में विनर ही रहेगा। ये छपरियों को जिताओगे ना तुम लोग। सबसे वर्स्ट बिग बॉस का सीजन था ये, सच में।